मैं हूँ अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सऊदी अरब में कल 11 को भारत में होगी ईद। सुबह मरने वाला व्यक्ति दोपहर में जिंदा, कुछ ही लम्हों में फिर हुई मौत। IAS ऑफिसर दलित नेता शिवराम की पत्नी कांग्रेस में शामिल। प्रहलाद जोशी के खिलाफ दिग्गज लिंगेश्वर स्वामी जी ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान। लक्ष्मी हेब्बाळकर पंचमसाली समाज की नहीं, निरानी का बड़ा बयान। 40 लाख कीमत की साड़ियां तो कई चेक पोस्ट पर, लाखों का नकद और सामान जब्त। RSS के कार्यक्रम में राघवेंद्र और ईश्वरप्पा आमने सामने। सड़क व्यापारियों पर पुलिस की दबंगगिरी। बीजापुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन लोनी ने संभाला पदभार। अब खबरें विस्तार से। सऊदी अरब में कल 11 को भारत में होगी ईद। 10 की बजाय भारत में 11 अप्रैल को ईद की उम्मीद। हर साल ईद के आने से पहले अक्सर लोग ये जानने के लिए बेचैन रहते हैं कि इस बार ईद कब, रमजान का महीना 29 या 30 दिन का। इन सब सवालों का एक ही जवाब, चांद की रफ्तार के बुनियाद पर जानकार और फलकियात का इल्म रखने वालों का ये दावा कि भारत में 10 की बजाय 11 अप्रैल को ईद उल फित्र होगी, जबकि सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। हरमैन शरीफैन न्यूज के मुताबिक बुध को सऊदी अरब में ईद मनाई जाएगी। सुबह मरने वाला व्यक्ति दोपहर में जिंदा, कुछ ही लम्हों में फिर हुई मौत। मेडिकल दुनिया को हैरान कर देने वाला ये करिश्माती मामला रामनगर के चन्नापट्टन उच्चैनी डोडी गांव के 55 साल उम्र वाले शिवराम की सुबह 6:30 बजे सांस लेने की तकलीफ से मौत हॉस्पिटल में हो गई, जिसके बाद आखिरी रसूमात के लिए घर लाया गया तो दोपहर में इसकी सांसें दोबारा चलने लगी तो मातम के घर में खुशी छा गई, तो कुछ ही लम्हों में फिर व्यक्ति की मौत से मातम छा गया घर में। IAS ऑफिसर दलित नेता शिवराम की पत्नी कांग्रेस में शामिल। चलवादी महासभा के संस्थापक दलित नेता IAS ऑफिसर और एक्टर शिवराम का पिछले दिनों निधन हो गया, जिनका BJP वालों ने सिर्फ इस्तेमाल किया है, राजनीति में बढ़ावा नहीं दिया गया, सिर्फ दलित होने की बुनियाद पर ऐसा किया गया है, कहा पत्नी ने। BJP इनके साथ धोखा किया है, इसलिए कांग्रेस का हाथ थाम रही हूँ, कहा शिवराम की पत्नी वाणी शिवराम ने। इनके साथ चलवादी महासभा के तमाम जिम्मेदार और कार्यकर्ता DK शिवकुमार के हाथों कांग्रेस में शामिल हुए, जिससे कांग्रेस को एक नई ताकत मिलने की उम्मीद जताई राज्य अध्यक्ष DK शिवकुमार ने। प्रहलाद जोशी के खिलाफ दिग्गज लिंगेश्वर स्वामी जी ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान। लिंगायतों को हमेशा नजरअंदाज, सिर्फ वोट के वक्त याद, समाज के लिए नहीं कोई काम ना ही कोई योगदान। ब्राह्मण लॉबी और धारवाड़ में लिंगायत समाज को अब तक ना मिलने वाले स्थान मान के लिए मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और फैसला लिया है कि आजाद उम्मीदवार धारवाड़ मत क्षेत्र से प्रहलाद जोशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रहा हूं। इतने दिनों से उम्मीदवार बदलने की बात करने वाले स्वामी जी बेंगलुरु के वीरशैव लिंगायत भवन में खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए अब तक कांग्रेस और BJP ने इलेक्शन में मैच फिक्सिंग करती आई है का इल्जाम लगाया दिग्गज लिंगेश्वर स्वामी जी ने। लक्ष्मी हेब्बाळकर पंचमसाली समाज की नहीं, निरानी का बड़ा बयान। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र चुनाव के चलते हाई ओल्ट जंग का मैदान बन गया है। नेता एक दूसरे पर वार पलटवार के बीच अब जाति प्रमाण पत्र पर भी हमले करने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। ऐसा ही एक बयान मुरगेश निरानी ने लक्ष्मी हेब्बाळकर को पंचमसाली समाज की नहीं है, इनके पति बनेजिगा समाज से
हैं अब लक्ष्मी अबालकर और इनका बेटा बनीजिगा समाज से हैं, जो कह रहे हैं कि पंचमसाली समाज और कित्तू रानी चन्नम्मा का खून इनके रगों में दौड़ रहा है, ये झूठ है, कहा मुर्गेश निरानी ने। 40 लाख कीमत की साड़ियां तो कई चेक पोस्ट पर, लाखों का नकद और सामान जब्त। बीदर जिला बसवा कल्याण के मनवर्ली चेक पोस्ट पर गैर कानूनी बिना रिकॉर्ड के गुजरात से बीदर लाए जा रहे 40 लाख कीमत की साड़ियां सीज की हैं। चेक पोस्ट पर तैनात फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस की टीम ने, वहीं बागलकोट के नायन गली चेक पोस्ट पर लॉरी में 14,88,000 नकद जब्त किया है। तो तमिलनाडु से यहां पर लाए जा रहे कर्नाटका तमिलनाडु का सरहदी चेक पोस्ट जोजो वाड़ी पर बस में ले जा रहे 30 लाख नकद और 500 ग्राम सोना जब्त किया है। कल हुए बल्लारी में सोना व्यापारी नरेश के घर से मिले 5,60,00,000 राजनेताओं से जुड़े होने का शक। एक तरफ चुनाव प्रचार तो दूसरी तरफ वोटरों को लालच देकर शिकार करने का काम बताया जा रहा है, हर जगह से मिल रहे करोड़ों रुपयों के मिलने के बाद। आरएसएस के कार्यक्रम में राघवेंद्र और ईश्वरप्पा आमने सामने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा युगादि उत्सव के कार्यक्रम में शिमोगा से बीजेपी के बागी उम्मीदवार ईश्वरप्पा और दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार राघवेंद्र दोनों ही इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जबकि दोनों ही एक दूसरे से अनजान नजर आए। इस पूरे प्रोग्राम में जो आदि चुनचनगिरी कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया था, दोनों ही अपनी जीत का दावा करते नजर आए नेता आरएसएस के प्रोग्राम में। अब सवाल ये है कि आरएसएस किसके सपोर्ट में। सड़क व्यापारियों पर पुलिस की दबंगगिरी। एक तरफ ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी होती है पुलिस पर, इसका ये मतलब नहीं कि सड़क के नियमों का पालन करवाने के लिए गरीब व्यापारियों के सामान को सड़क पर फेंक दे, उन पर लाठियां बरसाए। ऐसा ही बेंगलुरु के केआर मार्केट में फलों के कारोबारियों के फल सड़क पर फेंक अपने वर्दी की दबंगगिरी दिखाने का आरोप लगा है पुलिस पर, जबकि त्योहारों का मौसम चल रहा है राज्य भर में। बीजापुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन लोनी ने संभाला पदभार। आज युगादि के पावन अवसर पर बीजापुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजू अलगुर के लोकसभा उम्मीदवार बनने के बाद नए जिला अध्यक्ष के लिए मल्लिकार्जुन लोनी को नियुक्त किया है केपीसीसी राज्य अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने, जिसके चलते नियम और गुड़ देकर अधिकार का पदभार सौंपा गया लोनी को। इस मौके पर राजू अलगुर, अब्दुल हमीद मुशरिफ और कांग्रेस नेताओं ने पार्टी को नई ताकत के साथ नया उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार राजू अलगुर की जीत पक्की बताई कांग्रेसियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।